रहा हूँ आंटी, आप ठीक तो है? वीर, मिसेस आर्मन की तबीयत खराब हो रही है, रोको जल्दी प्लीज। कुछ नहीं हुआ इन्हें, नौटंकी कर रही, ये इनका रोज का नाटक है। वीर, तुम पागल हो क्या? इतने इंफेक्शन में कैसे हो सकते हो? इनकी हालत सच में खराब हो रही है, तुम डॉक्टर हो। तो मुझे भी उन पेशेंट्स को ट्रीट करना है जिन्हें सच में मेरी जरूरत है, ऐसे लोगों को नहीं जिन्हें कोई बीमारी बीमारी नहीं होती, बस पैसे बर्बाद करने के लिए हॉस्पिटलों में चले आते हैं। एंड आई नो अभी ये सिर्फ नाटक करी है ताकि मैं इनके करीब आऊं, लेकिन इस बार मैं इनके जाल में नहीं फंसने वाला। देखो इनके हाथ कांप रहे हैं, इनकी सांसें फूल रही हैं, इनके आईलिड्स ऊपर जा रहे हैं। जस्ट जोकिंग वीर, ड्रिफ्ट रोको। ओ शिट, ओ गॉड, ओ नो, ओ नो, ओ नो, क्या कर रहे हो? लिफ्ट रोको। अरे यार वीर, जल्दी कुछ करो। ओ शिट, अभी हो जाएगा। ओ दरवाजा खोलो, लिफ्टमैन, दरवाजा खोलो, दरवाजा। हेलो, हेलो, मैं डॉक्टर वीर बोल रहा हूँ। मैं और डॉक्टर सांची एक इमरजेंसी पेशेंट के साथ लिफ्ट में अटक गए हैं। आप जल्दी ऊपर आके दरवाजा खोलो। जी डॉक्टर, मैं अभी सर्विसिंग वाले को भेजती हूँ। हमारे पास उतना वक्त नहीं है, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, अभी के अभी आप ऊपर आइए और लिफ्ट का दरवाजा खोलिए। सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते, सर्विस वाले आकर लिफ्ट खोलेंगे। सांची, रिसेप्शनिस्ट कह रही है कि वो कुछ नहीं कर सकती, उन्हें मेंटेनेंस वालों का वेट करना होगा। वीर, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, प्लीज कुछ करो जल्दी प्लीज। क्या करें बोलो। हाँ, रिसेप्शनिस्ट को कहो डॉक्टर कबीर को लाइन पर बुलाए और उन्हें कहे इमरजेंसी केस है, जल्दी। ओके, डॉक्टर कबीर को बुलाइए और उन्हें कहिए कि इमरजेंसी है। सर, डॉक्टर कबीर तो निकल गए। तो उन्हें वापस बुलाओ। अगर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से पेशेंट को कुछ हुआ ना तो। ओके सर, ओके, मैं लेती हूँ लाइन पे। हेलो, हाँ वीर बोलो। डॉक्टर कबीर, मैं और सांची मिसेज लालवानी के साथ लिफ्ट में अटक गए हैं। सर, उनका गला चोक हो गया है और वो बेहोश हो गई है। कितना टाइम हो गया उन्हें ऐसे? सांची, कितना टाइम हुआ उन्हें? लगभग 4 मिनट। सर, 4 मिनट हुए उन्हें। देखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब जो भी करना है तुम दोनों को ही करना है, वो भी जल्दी। सर बताइए क्या करना है। अभी इस समय तुम लोग के पास लिफ्ट में क्या क्या सामान है? सर, हमारे पास ये स्टेथोस्कोप है और हेलो 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 सांची, हेलो वीर, तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो डॉक्टर कबीर, हेलो हेलो, डैम इट, ओह शिट। सांची, लाइन कट हो गई। वीर, इनकी हालत बहुत खराब है, हम क्या करें? ओह गॉड, कैसी सिचुएशन में फंसा दिया आपने। ओह मिसेस लालवानी, हेल्प मी पापा प्लीज, आज मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। वीर, तुम्हारे पास कोई पॉइंटेड चीज है? मेरे पास पॉइंटेड चीज? ये दो पेन है मेरे पास। हाँ, इस पेन से काम चल जाएगा। एक काम करो, इनके नेक के नीचे यहाँ दो हड्डियां है ना, उसके बीचों बीच एक कट करो। वीर, देख क्या रहे हो, जल्दी कट करो। तुम पागल हो गई हो, ये पेन स्टेरलाइज्ड भी नहीं है। वीर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी हमें इनकी जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए, बाकी बाद में देख लेंगे। ये लो। नहीं नहीं वीर, कम ऑन, यू कैन डू इट। वीर, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इनकी हालत खराब हो रही है।
रिकी, मुझे इन साड़ियों का एक बड़ा सा चैरिटी ऑक्शन कराना है. मीडिया, प्रेस, सबको बुलाओ. अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए. एंड डोंट फॉरगेट, सारी पेशतरी औरतें आनी चाहिए, वरना इन साड़ियों को कोई नहीं खरीदेगा. डोंट यू वरी मैम, ये साड़ियाँ तो यू बिक जाएगी, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव साड़ियाँ हैं और आज के टाइम पे इतनी रॉयल, एलिगेंट और बारीक काम आजकल की साड़ियों में होता ही नहीं है. और सबसे बड़ी बात, ये साड़ियाँ सोशल वर्कर सावित्री देवी मल्होत्रा की है, तो उनके ना बिकने का तो चांस ही नहीं. चलो गायत्री, कुछ तो काम आई. तो ठीक है रिकी, तुम सारी तैयारियाँ कर लो और फिर मुझे अपडेट करते रहना, और जैसे सब रेडी हो जाए इन्फॉर्म मी. ओके मैम, थैंक यू. गायत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सावित्री की साड़ियों को नीलाम करने की? गायत्री, किससे पूछ के तुम्हें इन साड़ियों को हाथ लगाया? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी. मैंने ऐसा भी क्या कर दिया मम्मी जी? मैं तो सिर्फ समाज सेवा कर रही हूँ. सावित्री दीदी की साड़ियाँ खराब हो रही थी तो. जानती हूँ मैं कितनी समाज सेवा करोगी तुम इनसे. मैं सिर्फ और सिर्फ इस घर की भलाई चाहती हूँ मम्मी जी. अब मुझ पर कभी भरोसा क्यों नहीं करती मम्मी जी? मैं इस घर की बहू हूँ, आनंद की पत्नी हूँ, और इनके परिवार को नुकसान पहुंचाकर आप ही बताइए ना कि मुझे क्या मिल जाएगा. बड़ा सुकून मिलता है ना तुम्हें ये तमाशे करके. अरे मैं तो हमेशा से ही जानती हूँ कि इस घर पर सिर्फ और सिर्फ अपना राज चाहती हूँ. वो तो जब तक प्रिया थी तो वो तुम्हें रोक लेती थी, अब उसके जाने के बाद तुम्हारा असली रंग सामने आ रहा है. खूब समझती हूँ मैं तुम्हारे इन इरादों को. आप मुझे गलत. बस बहुत हो गया, क्या कर रहे हो तुम लोग? रोज रोज का झगड़ा मां, व्हाट इज दिस? आनंद की सावित्री की साड़ियां नीलाम कर रही है. मैं जानता हूँ मां. और तुम इसे रोक नहीं रहे हो? मां तुम बात क्यों नहीं समझती? गायत्री जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है. इस नीलामी के जरिए वो सावित्री का नाम, उसका काम लोगों के दिल और दिमाग में रखना चाहती है. व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? कैसा नाम और कैसा काम? उसकी आखिरी निशानी किसी अजनबी को बेच के तुम उसका नाम नहीं, उसके नाम पे कलंक लगा रहे. मम्मी जी ना जज्बाती हो रही है, इसके पीछे छिपी अच्छाई को अभी समझ नहीं पा रही. दिल से सोच रही इस वक्त उन्हें इस ऑक्शन के फायदे नजर नहीं आ रहे, लेकिन आई बिलीव बहुत जल्दी वो समझ जाएंगे कि इस ऑक्शन से सबसे ज्यादा फायदा सावित्री दीदी के नाम को ही होगा. आप कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, अपने आप संभल जाएंगे. आई होप सो. ये देखो कमरा कितना जबरदस्त और कितना बड़ा कमरा है. ये तो बहुत अच्छा कमरा है, पर हमें ना थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी. क्या चीजें बताओ? अशोक सुनो ना, इस दीवार को ना से नीला कर देते हैं, बहुत अच्छी लगेगी. ग्रेट आइडिया खुशबू, बहुत सुंदर लगेगा, जैसे लगेगा आसमान है ये. बिल्कुल. और अरे ये पेंटिंग अजीब सी लग रही है, इसको गोल्डन करा दो ना. ऐसे गोल्डन नहीं, पुरानी, इसको बदल ही देते हैं. पता नहीं दोनों रूम का क्या कबाड़ा कर रहे हैं. ऐसे गोल्डन फ्रेम भी अच्छा लगेगा. चलो ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसे करते हैं. और क्या, फिर पर्दे लगाएंगे ना ऐसे वाइट वाइट, सुंदर सुंदर. बिल्कुल तुम्हारे गालों के जैसे. ये वाली दीवार क्या करें? इसको ऐसे कर देते, ऑरेंज टाइप का. ऑरेंज कर देते ना, बहुत मजा आया. अरे वो काम करने वालों को तो बुलाओ. अरे अरे वो भाई कहाँ गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ भैया. अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ अशोक, वो बाथरूम भी चेंज कराना है, सब नल वल ना सब पुराने. अच्छा भैया सुनिए, आप एक काम करिए, बाथरूम में जाइए और वो ना सारे पूरे उसे कांच वाच सब बदल दीजिएगा, और नल भी सब पुराने हो गए होंगे ना. हाँ. सब कुछ नया चाहिए. ठीक है. और अशोक ये बेड का क्या करना है? मुझे नहीं पता. बेड 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 कूल बेड एकदम. क्या हो रहा है ये सब? मेरे कल पेपर है, मुझे थोड़ा तो पढ़ने दीजिए. सब प्लीज आवाज बंद कीजिए, कितना शोर करेंगे आप लोग, प्लीज बंद कीजिए. क्या बंद कीजिए, मैंने बोला ना. बदतमीज, ये तमीज नहीं है बात करने की. आप लोगों में तमीज है? कब से कह रहा हूं आवाज बंद करो, आवाज बंद करो. आप लोग ने आवाज बंद किया?
सनी शांत हो जा, बड़े हैं, इज्जत दो इन्हें। बड़े हैं ना तो उनसे कहिए थोड़ा बड़प्पन दिखाए। जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहा है बेटा? जा पे रोज रोज कर ड्रामे ना हो, अपने दोस्त के घर पे पढ़ाई करने। सनी हेलो दादी। हाँ प्रिया। बेटा यहाँ गायत्री तेरी माँ सावित्री की साड़ियों की नीलामी कर रही है बेटे। क्या विक्रांत आपने मेरा फोन क्यों काटा? तुम्हें बोला था ना ये वक्त सिर्फ हमारा है। नो डिस्टर्बेंस प्रिया। ओके कम ऑन ब्रेकफास्ट करते बैठो। लो नाश्ता आ गया। लो प्रिया कम ऑन। ए माय बेबी। ये मिसेस मल्होत्रा की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो मेरी माँ की निशानी है, मैंने ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। माँ 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 क्या है ना कि अब मेरा काम तो अच्छा चलने लगा है और वो मेरा नया वाला कमरा भी बस तैयारी होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप मेरी शादी करवा दो। अरे जरूर करवा देंगे तुम्हारी शादी। और हाँ माँ, मैंने आज ना खुशबू के माँ बाप को शाम को खाने पर बुला लिया है, तो जो भी शादी वादी की बातें हैं वो सब आप उनसे कर लेना। हाँ क्यों नहीं। भाभी वो आज मेरे ससुराल वाले पहली बार घर आ रहे हैं ना, तो जरा खातिरदारी वगैरह अच्छे से होनी चाहिए भाई, आखिर उन्हें भी तो पता लगे कि उनकी बेटी किस घर में जा रही है। अरे तुम फिक्र मत करो, हम सारी तैयारियां बहुत अच्छे से करेंगे। है जया? अच्छा माँ जी, मैं टाम का इंतजाम करती। अरे भाभी मेरे ससुराल वाले आज पहली बार घर आ रहे हैं और मेरी शादी की बात करने के लिए आ रहे हैं, तो कृपा करके कोई तमाशा मत करिएगा और अपने बेटे को भी समझा दीजिएगा कि कोई ड्रामा ना हो। मां मैं आता हूं। नहीं मुझसे नहीं होगा ये सांची। वीर ऐसा मत करो प्लीज, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। व्हाट बॉय लिफ्ट के पास स्ट्रेचर लेकर आओ अभी और इमरजेंसी वार्ड को तैयार करो। कम ऑन जल्दी। ठीक है ये पकड़ो, मैं करती हूँ। ICU को तैयार करो।
की हालत स्टेबल है। Come on, hurry up, guys. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत हिम्मत दिखानी पड़ी मुझे मिसेस लालवानी की जान बचाने। मैं मजाक कर रहा था, मैंने कोई बहादुरी नहीं दिखाई, मैंने किसी की जान नहीं बचाई। जो भी किया है डॉक्टर सांची ने अकेले किया है। नहीं, मैं बहादुर हूं, लेकिन एज अ डॉक्टर शायद अभी ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं हूं। अंधेरे में मेरे तो हाथ कांपने लगे थे, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सांची ने किसी भी चीज की फिक्र करे बिना उस पेशेंट की जान बचाई। सो आपकी सारी तालियां और सारी तारीफें सिर्फ और सिर्फ मिस गोलगप्पा, सॉरी, सिर्फ डॉक्टर सांची के लिए होनी चाहिए। तालियां। और वीर, इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में तुम घबरा कैसे सकते हो? हाँ, अपने पेशेंट्स की तरफ थोड़ा सीरियसनेस दिखाओ। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और साची, जब तक मिसेस लालवानी स्टेबल नहीं हो जाती तब तक तुम उनका ख्याल रखोगे। आई थिंक वीर उसे संभाल नहीं पा रहा है। ओके ओके सर। थैंक गॉड, मिसेस लालवानी से मेरी जान तो छूटी। तो अब जब तक मुझे एक नया पेशेंट नहीं मिलता मैं आराम से चिल मार सकता हूं। क्या हुआ प्रिया, परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। Come on, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है, बताओ क्या प्रॉब्लम? मैं सच कह रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। प्रिया, tell me, देखो मैं तुम्हारा पति हूँ, बताओ मुझे, मुझे पूरा आगे जानने का कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। ठीक है, बताती हूँ। एक्चुअली मिसेस मल्होत्रा मेरी माँ की साड़ियाँ ऑक्शन करवा रही हैं और वो साड़ियाँ मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं वो ऑक्शन रुकवाना चाहती हूँ, पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं। Really? तुम इस बात को लेकर परेशान हो रही हो? I can't believe it. प्रिया, अब तुम चावला हो, तुम्हारे माँ बाप के घर में क्या होता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे वो जो भी कर रहे होंगे सोच समझ के करोगे ना प्रिया। अब ये सब सोच के तुम अपना मूड और हमारा दिन मत खराब करो। तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। ओके? पर विक्रांत। नो 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 नो, मैं अब उस घर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता प्रिया। ओके? आई मीन तुम्हारा हो तो गया, जो पग फेरे वक्त फेरे की रस्म कर लिया ना, बस हो गया और नहीं। और ये हमारा दिन है, हमारी मोमेंट, हमारा टाइम, और मैं ये किसी तीसरे के लिए ना बर्बाद नहीं होने दूंगा। ओके okay? भाई yeah? चलो लेट्स प्ले आवर वीडियो गेम। कम 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 कम, सिट सिट सिट, आ जाओ। ये है तुम्हारा रिमोट और ये मेरा रिमोट, चलो शुरू करते हैं। ये तुम्हारा प्लेयर प्रिया, वो मेरा। गेम स्टार्ट। अरे क्या कर रही हो प्रिया, अच्छे से खेलो ना। तुम अच्छे से नहीं खेल रहे हो प्रिया, कम ऑन, प्ले नाइस ना। तुम्हें पता है मैं इस गेम का चैंपियन हूं और ये मेरा बेस्ट मूव है, और तुम ना, तुम क्या, कोई भी नहीं मुझसे जीत सकता इस गेम में। आई एम परफेक्ट, आई एम गॉड ऑफ दिस गेम प्रिया, कोई नहीं। विक्रांत, मेरा फोन,
तुम्हें फोन क्यों चेप रही है? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, किससे बात करनी तुम्हें? अरे विक्रांत, हम घर से इतने जल्दबाजी में निकले, मेरा कुछ सामान छूट गया, तो बस इसीलिए दादी से पूछना था। विक्रांत, हो सके तो तुम मुझे वहां ले जाओगे? मैं सोच रही थी कि हमारी एक रोमांटिक ड्राइव भी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा। अरे तुम वहीं पे रुक गई तो फिर मैं उदास हो जाऊंगा, मेरा मन कैसे लेगा तुम्हारे बिना? प्लीज मत करो ऐसे, हम कहीं नहीं जा रहे। ओहो, नीतू का फोन है। मैं क्या बोलूंगी उसे कि मैं क्यों नहीं आई, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। हेलो, हाय, कहाँ है तू, कब तक आ रही है? नीतू, आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली एक इमरजेंसी केस आ गया है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। इट्स ओके, जानती हूँ तेरा काम कितना हेक्टिक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू शादी में नहीं आ रही ना, तो इसकी भरपाई तो तुझे करनी ही पड़ेगी। डन, तू जो बोलेगी मैं करूंगी। ओके, That's like a good girl. अच्छा नीतू, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके? And congrats in advance. Bye, take care. Bye. Okay, done. आपको कोई भी चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैडम, मैंने ऑक्शन की सारी तैयारियां कर दी है, दिल्ली के बड़े से बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट्स जा चुके हैं, वो सब ऑक्शन में आ जाएंगे। और तो और ये डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये पूरा डेकोरेशन मैंने आपके टेस्ट के हिसाब से किया है। मुझे अरेंजमेंट तो बहुत अच्छी लगी रही, बट आई रियली होप ये ऑक्शन भी उतना ही अच्छा होगा। श्योर मैम, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रिया का फोन क्यों बंद आ रहा है? क्या करूं? हाँ माँ, वो एक्चुअली एक इमरजेंसी केस आ गया था ना, इसकी वजह से मैं नीतू की शादी में नहीं जा पाई। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होते रहेगा, तू बस अपने काम पे ध्यान दे। अच्छा, तुझे एक बात बोलना तो भूल ही गई, तेरे अशोक चाचू है ना, उनकी शादी पक्की हो रही है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। मैं तो वहाँ नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आप चाचू को मेरी तरफ से विश कर देना। ओके, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा फोन रखती हूँ, काम अच्छे से करना बेटा, मन लगा के। ओके माँ, बाय बाय। अबे ओ, तुम्हारी लिफ्ट वाली पेशेंट कैसी है? अब पहले से बेहतर है। सही है यार, तुम तो मतलब एकदम छा गई हो, एक बंद लिफ्ट में एक पेन से तुमने उसकी जान बचा ली, मतलब कमाल है भाई, कमाल है। क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी, तुम्हारी तरह गुंडागर्दी नहीं। हाँ ठीक है भाई, अब हम पॉलिटिशियन की बेटी हैं, रंगबाजी तो हमारे खून में है भाई। हाँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमको एक खुशखबरी देंगे। क्या? तुमको पता है भूत के डर से कोई भी गार्ड हमारे हॉस्टल की नाइट ड्यूटी करने को तैयार ही नहीं है, सब किताब छोड़ के भाग गए, क्योंकि हमारा भूत इतना असली जो लग रहा था कि सबकी जान ही सूख गई। चुप रहे। अबे ओ, हम यहाँ इतना बड़ा लाफ्टर दे दिए, तुम ये सड़ी सी शक्ल बना के कहाँ खड़ी हो बे? वो नीतू की शादी में नहीं जा पा रही, वो मेरी स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड है और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी में जाऊंगी, पर अब नहीं जा पा रही हूँ तो आई एम मिसिंग इट बैडली। कोई नहीं, तू उसे शादी के बाद मिल लेना और उसकी शादी की मस्ती की कसर तुम मेरी शादी में कर लेना, क्योंकि मैं गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाली हूँ, पूरे एक हफ्ते की छुट्टी लेनी होगी तुम दोनों को। मैं तो टिपिकल इंडियन स्टाइल वेडिंग करूंगी, सारी रस्में सारे रिवाज पूरे तामझाम के साथ। मेरा दूल्हा गाड़ी में नहीं, सफेद घोड़ी पे आएगा, सहरा और शेरवानी पहन के। इतनी बोरिंग और बेजान मिस गोलगप्पा के सपने इतने फिल्मी, वैसे मैं घोड़ी पर बैठकर आने के लिए तैयार हूँ, तुम बस डेट निकालो, मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। शट अप वीर, एक तो यहाँ मैं नीतू की शादी में नहीं जा पा रही हूँ और ऊपर से तुम
बकवास किए जा रहे हो। भगवान जी आप प्लीज नीतू की शादी अच्छे से करा दो, उसे जैसी लाइफ चाहिए ना वैसी लाइफ उसे दे। चलो ये प्रिया देख रहे हो तुम, सो गुड इन दिस। हेलो, हाँ बोल। अरे मैं नहीं आ सकता यार। सर ये बहुत अर्जेंट मीटिंग है और सुजीत सर बाहर गए हैं दूसरी मीटिंग अटेंड करने, सो प्लीज सर सिर्फ एक घंटे के लिए आ जाइए। तिवारी डैड को बोल दो मीटिंग अटेंड कर लेंगे। नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। अरे समझ रहे तिवारी। अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके प्रिया मुझे कुछ देर के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। ओके हाँ तो ठीक है ना, मुझे तब तक पापा के घर ड्रॉप कर दो, फिर वापस आने टाइम मुझे पिक कर लेना। नो नो प्रिया तुम कहीं नहीं जा रही हो। एंड लिसन, अब तुम चावला हो, अपने पापा के घर की बातें ना बंद करो ऑलराइट, और चुपचाप यहां रह के मेरा इंतजार करो। मैं नौकर लोगों को बोल दूंगा तुम्हारा ध्यान रखें, और तुम्हें जो भी कुछ चाहिए उनसे मांग लेना। चलता हूं। माँ जी आप छोड़ दीजिए, मैं करती हूँ। ठीक है बेटा। जया बेटा ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम बिना किसी गिले शिकवे के अशोक की खुशियों में शामिल हो रही हो। घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देख बेटा अशोक बहुत मेहनत कर रहा है और मैं दिल से चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। यही सही टाइम है, विक्रांत ऑफिस गया है, उसके आने से पहले मैं फटाफट दादी से मिलके आ भी जाऊंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। आप कहीं जा रही हैं? नहीं एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा लेट जाऊं इसलिए दरवाजा बंद करने आई थी। ठीक है आप सो जाइए, मैं बाद में आऊंगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। जी तैयारियां तो ठीक से हो गई है ना माँ? हाँ हाँ सब तैयारियां ठीक से हो गई हैं। क्या बात है आज सुमन बहुत चमक रही हो। वो तो रोज ही चमकता है लेकिन आज ना आज मैं बड़ी खुश हूँ, मेरे छोटे भाई की शादी तय होने जा रही है और मैं बड़ी ननद बनने जा रही हूँ। हाँ नहीं तो सनी कहाँ था तू तो इतनी देर तक बेटा, एक फोन नहीं कर सकता था? मैम मैं और राहुल के घर पे गया था, पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा चल ठीक है, फ्रेश हो जा। ओ हीरो जरा अपना हुलिया बदल लियो, चाचे की शादी तय होने जा रही है। हाँ भाई और थोड़ी हमारी इज्जत का भी ख्याल रख ले। अंदर जा और जाकर सफारी सूट पहनकर आ जा। सानी माँ मैं राहुल के घर पर जा रहा हूँ, हमें पेपर की तैयारी करनी है। पर लो ओ भाभी जी जरा अपने बेटे पर भी थोड़ी नजर रखा करो, अच्छे लक्षण नहीं दिख रहे उसके आजकल। पता है ना बच्चे पढ़ाई के नाम पर क्या क्या हरकतें करते रहते हैं। ये देखो ना घर में इतना बड़ा कार्यक्रम है और ये पढ़े श्री पढ़ाई के बहाने चल दिए, और ये कौन सा डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है,
जो एक दिन भी रुक नहीं सकता है। अरे प्रिया, कब आई तुम? कैसी हो? अकेली आई हो कि विक्रांत दामाद जी भी साथ में आए? Stop it! ये अच्छा बनने का ना नाटक अब आप बंद कर दीजिए मेरे सामने। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आपको। क्या हो गया प्रिया, ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? अब मैंने क्या कर दिया? क्या किया? सीरियसली, मेरी माँ की साड़ियाँ पैसों के लिए बेच रही हैं और मुझसे पूछ रही हैं क्या किया? बेच नहीं रही हूँ प्रिया, मैं उन साड़ियों को ऑक्शन में रख रही और उनसे जो भी पैसे मिलेंगे ना उनसे गरीबों की मदद होने वाली है। और ये सब कुछ मैं सिर्फ सावित्री दीदी के नाम के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ के नाम की कितनी फिक्र है आपको, ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। ये तो आज तक मैं यहाँ थी इसलिए आप लोगों की कभी हिम्मत नहीं हुई, वरना आप लोग तो शायद ये सब बहुत पहले कर चुकी होती ना। पर ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी शादी हो गई है तो आप लोग अपनी मनमानी करोगे। मैं आज भी अपनी माँ की कोई भी चीजों को हाथ नहीं लगाने दूंगी। बस बस, ये क्या हो रहा है? क्या आनंद, प्रिया को लग रहा है कि मैं सेल्फिश हूँ और जानबूझ के सावित्री दीदी के सामान को घर से निकाल रही हूँ। प्रिया, गायत्री जो भी कर रही है सिर्फ सावित्री के लिए कर रही है। बेहतर यही होगा कि तुम बीच में दखल मत दो। चलो गायत्री। प्रिया पुत्र, इन लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये लोग अपना जमीर बेच चुके हैं बेटा। पर मैं ऐसा करने नहीं दूंगी इन लोग को। आई प्रॉमिस, मैं माँ की साड़ियों को नीलाम नहीं होने दूंगी, फिर चाहे वो साड़ियां मुझे ही क्यों ना खरीदनी पड़े। ओह नो, एक घंटा हो गया। क्या हुआ बेटा, तू इतना घबरा क्यों गई? दादी, मुझे अभी चलना होगा। मैं जैसे भी इनको रोकूंगी मैं आपको बता दूंगी। मैं चलती हूँ अभी। पर अरे प्रिया जी, प्रिया जी दरवाजा खोलिए। प्रिया जी, क्या हो रहा है? आप दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं? बाबा, प्रिया जी के सिर में दर्द हो रहा था तो वो दवा खाकर सो गई। अभी मैं आई हूँ तो वो दरवाजा नहीं खोल रही है। मुझे तो लगता है जैसे वो कमरे में है ही नहीं। मुझे कुछ देर के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। दे? हाँ तो ठीक है ना, मुझे तब तक पापा के घर ड्रॉप कर दो, फिर वापस आने टाइम मुझे पिक कर लेना। प्रिया, प्रिया दरवाजा खोलो। विक्रांत तुम क्या कर रहे हो? प्रिया दरवाजा खोल देगी। आप चुप हो जाइए, एकदम चुप। विक्रांत, प्रिया, प्रिया मैं तीन तक गिनूंगा नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। दरवाजा खोलो प्रिया, एक दो तीन। विक्रांत, प्रिया, प्रिया, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? विक्रांत, वो मैं सरदर्द की दवाई लेके सोई थी, शायद इसीलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। झूठ बोल रही हो ना तुम? नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? प्रिया, पता है मैं कितना घबरा गया था, मुझे लगा तुम कहीं चली गई। मैं कहाँ जाऊंगी, वो तो दवाई की वजह से गहरी नींद आ गई थी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसी दवाई लो ना तो दरवाजा अंदर से बंद नहीं करना। अगर विक्रांत ऐसी हरकतें करेगा तो मैं कल ऑक्शन में कैसे जाऊंगी?
बेटे आरती शुरू करो। रुको, ये कैसा इंतजाम किया है भाई साहब आपने? मैंने आपको कितनी बार कहा था कि हमारा स्वागत शानदार करिएगा, पर आपने तो ये सब रूखा सूखा ही किया हुआ है। ना कोई पटाखे, ना कोई बम, ना ही गुलाब की पंखुड़ियां, ना इत्र की बारिश, ऐसा इंतजाम होता है क्या? नहीं नहीं बहन जी, हमने सारा इंतजाम वैसा ही किया है जैसा कि आपने कहा था। कैसा इंतजाम? आंटी आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अब क्या होगा? राजेश हाँ, चल, हाँ, चल, बिल्कुल, बिल्कुल। बेटे आरती शुरू करो। मेरी फ्रेंड यहाँ डॉक्टर है, साची मिश्रा। आप प्लीज उसे बुला दीजिए। जस्ट अ मिनट मैम। सॉरी मैम, साची मिश्रा नाम की कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है। वो यहीं पे है, इंटर्नशिप कर रही है, बल्कि उसकी आज ड्यूटी भी है, इसलिए वो मेरी शादी में भी नहीं आ पाई। आप प्लीज उसे बुला दीजिए ना। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.